आपका घर कहाँ हुआ दादाजी? बनारस। बनारस? आप बनारस से हैं? चलिए बहुत अच्छा। अब कब आए हैं यहाँ पटना? परसों। परसों यहाँ अंदर रहते हैं? हमारी लड़की है। अच्छा, क्या करते हैं लोग? पढ़ाई नहीं, दुकान नहीं है, काफी बंद। अच्छा अच्छा, हाँ। तो देखिए चाचा जी को दाढ़ी बना रहे हैं। चाचा जी जो है ना, अब तो हमारे उम्र के हिसाब से तो हमारे दादाजी लगेंगे क्या? हाँ, तो हम चाचा जी का जो हम पता नहीं लग रहा है, दादाजी कहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, ज़्यादा कितनी कोई। हाँ, दादाजी ही आपको कहेंगे। तो देखिए दादाजी का पूरा गाल जो है ना पिचक गया है, अब तो उम्र के हिसाब से तो पिचक ही जाता है क्या दादाजी? ऐसा अगर समय हम लोग का आएगा तो हम लोग भी इसी तरह से हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, सबको एक दिन इस तरह का होना है। होना है। हाँ, और दादाजी आपसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना उम्र हो गया आपका? हो गया 60। यानी कि 86 है। 68 है। देखिए दादाजी का उम्र हो गया 68। देख रहे हैं ना दादाजी का एकदम दांत तो सब खत्म हो गया है ना? दादा का समूचा दांत खत्म हो गया। दादाजी खाते कैसे हैं आप? रोटी और खाना हो तो खा लेते हैं। आदत हो गया। अच्छी बात है, दर्द नहीं होता है? नहीं। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। एक्सीडेंट में? ओहो, तो मोच रखते हैं दादाजी आप? बहुत हल्का, वो मशीन से ट्रिम कर देंगे छोटा। अच्छा अच्छा, बताया था बनारस के। अच्छा, दादाजी बनारस के। बनारस में कहाँ गए हैं आप? बनारस में संकट मोचन। संकट मोचन मंदिर है। अच्छा, मंदिर है। अच्छा अच्छा, सबसे नामी। ओहो, तब तक हमारे हनुमान जी का भक्त होंगे पक्का। बहुत अच्छा, हनुमान जी का पूजा करना भी चाहिए। ये कलयुग और भद्रयुग में आपको सपोर्ट करेंगे हनुमान जी। लगता है कि हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मानने से नहीं होता। नहीं नहीं, हम सबसे ज़्यादा माने आप यहाँ से मानते हैं। हाँ तब ठीक है, ऊपर से तो लोग लाखों रुपए भी चढ़ा के नहीं मान पाते। नहीं नहीं, हम वो नहीं है। चलिए आपसे मिलकर खुशी। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए दादाजी को दाढ़ी जो है ना हम बना रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। दादाजी के दाढ़ी जो बनाने में बिल्कुल शांति से बनाना पड़ेगा, क्योंकि दादाजी का पूरा जो है ना गाल मांस है नहीं पिचका हुआ है क्या दादाजी? उम्र के हाँ, उम्र के हिसाब से, इसलिए हमको आराम से बनाना होगा। कोई जल्दी नहीं है। हाँ हाँ दादाजी, यूपी में तो क्या नाम है, योगी जी तो पूरा एकदम तहलका मचाए हुए हैं। हाँ ना, तहलका मचाने से कुछ होता सुन? नहीं सुन रहे, काम बहुत अच्छे कर रहे हैं एकदम। आधा लोग उसमें खा जा रहे हैं। आधा लोग खा जा रहा है? अरे वाह, यहाँ तो न्यूज में दिखाता है कि मतलब कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये काम उनका अच्छा है ना? काम उनका अच्छा है। हाँ उनका काम अच्छा है, लेकिन हाँ। लोग माने तब में दलाल। हाँ, बहुत हो गए। हाँ 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 हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं, काम उनका तो अच्छा है, लेकिन लोग दलाल समझे तब न। दलाली नहीं रुक रहा है। नहीं, वो नहीं रुकेगा। दलाली रुकेगा भी नहीं, कभी रोजगारी इतना है, पहले से ही है। तो लोग जाए कहाँ है ना, उनका एक खानदान बन गया। हाँ हाँ हाँ, ठेकेदार इतने हो गए हैं। हाँ हाँ, हर जगह। हाँ घर हाँ, का ठेकेदार, कोई कार का ठेकेदार, कोई मोटरसाइकिल का। हाँ हाँ हाँ, हर जगह दलाली है। जो पहले से चला आ रहा है, चला आ रहा है। हाँ कीजिए तो दादाजी। हाँ
देखिए बात है कि अब दादाजी को आग करवा रहे हैं इसलिए कि दादाजी का जो चमड़ा है यहाँ पे सुधरा हुआ है, अब ऐसे करने से टाइट हो गया। देखिए यहाँ पे आप टाइट दादाजी कर दिए तो सीधा हो गया। चलिए अभी रहना है दादाजी कि आप चल जाएंगे यहाँ से? नहीं रहना है ना। चलिए आप आते रहिएगा मेरे पास, ठीक है? बिल्कुल सेवा में कमी नहीं होगा आपको, कोई बात नहीं। भूमि से आहार जुटाने वाला को भूमिहार बोलते हैं, है ना? हाँ हाँ। देखिए यहाँ जो दादाजी का दाढ़ी बन रहा है, यहाँ देखिए बहुत कष्ट है बनाने में, लेकिन बिल्कुल हम लोग शांति से अच्छा से बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़े हैं कि? हाँ बिल्कुल पढ़े हैं। कितना पढ़े? बस थोड़ा बहुत छुरा कैंची चला लेते हैं इतने बहुत। सभ्यता होना बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहाँ पढ़ रहे हैं आजकल? पेपर पढ़ रहे खाली स्कूल। हाँ बच्चा बीए कर लिया है, लेकिन फादर जी को मम्मी को बोलने का तमीजे नहीं है, कहेगा कि मम्मी कहेगा कि बेटा ये काम कर दो, पापा कहेगा तो नहीं करेगा। करेगा नहीं। अभी के डेट में क्या है ना, गर्लफ्रेंड बोल दिया ना तो बस हम, मेरे लिए सब कुछ वही है। हाँ मम्मी बाहर में जाए, पापा बाहर में जाए, तो बीए एमबीएस बेकार में हो गया। आप शिक्षा दिए, आप पारिवारिक सामाजिक जो ज्ञान होता है वो देवे नहीं किए, तो वो क्या देगा? गार्जियन ना देता है, आप ही ना दीजिएगा दादाजी के, दूसरा को देगा? आई शिक्षा देता है अगर बच्चा को, तो बच्चा कहता है कि हमको नहीं जरूरत है शिक्षा का, है? तो अभी हम लोग का कल्चर में ये सब बहुत हो रहा है, सब लड़कियों के कारण। हाँ हाँ, सिर्फ लड़कियां दोष नहीं है, लड़कियां सिर्फ दोषी नहीं है दादाजी, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम लोगों का परिवार समाज का है, जो आप छूट थोड़ा बहुत सह देते हैं। चोरी जब घर से ही करना सीखता है बच्चा, बाहर नहीं करता है। क्या तो पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ। आप पढ़ थोड़ी रहे हैं? हाँ हाँ। वहाँ जा रहे खाली बस? हाँ हाँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख रहे हैं? लेकिन छूट देना चाहिए, थोड़ा उतना भी नहीं, जैसे आदमी बोलता है ना आप लोग के, हमारे पुराने में आप लोग का कहावत था, लोग कहता है कि बिना के तार को इतना भी मत तानिए कि वो टूट जाए, और इतना भी लूज मत कीजिए उससे आवाजें ना निकले। तो उसी तरह से बच्चा चाहे लड़की हो या लड़का हो, छूट मिलना चाहिए, लेकिन उतना नहीं जिसके वजह से वो बिगड़ जाए। हम लोग के समाज में अगर मालूम होता था पिताजी इतने बजे आने वाले हैं, हाँ बस घर के अंदर। हाँ हाँ, डर था ना पहले, डर था, इज्जत था, लेकिन अपना डर है न इज्जत है। हाँ हाँ, वही चीज है, उसी का तो ये सब सारा दोषी आदमी कह रहा है। पेपर पढ़िए। हाँ हाँ, हर जगह रेप, ये वो। हाँ हाँ, हत्या। हाँ हाँ, पहले इतना सुनाई देता था ना, पहले कहाँ ये सब था। हाँ हाँ हाँ, अपने को नहीं बदल, नहीं नहीं, दूसरे को अगर आप दोषी हैं तो आपको कहेंगे, अपने को नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, चलिए चाचा जी के एक आध दो बाल है जो ये बढ़ गया है, इसको भी काट देते हैं, बढ़ गया है। आँख बंद कीजिए तो अंकल, सॉरी दादाजी, ये फिटकरी आपको लगा देते हैं, जानते थे फिटकरी कितना बहुत अच्छा चीज है? हाँ, ब्लेड लगने के बाद फिटकरी दम बिल्कुल लगना ही चाहिए। ना लगे, हाँ इसको लगना चाहिए। आप लोग के टाइम में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व था, अभी तो बहुत दुकान में नहीं मिलता है, लेकिन ये सबसे बहुत जरूरी है, दाढ़ी बनाइए ऐसे भी लगाना चाहिए। क्या इससे क्या है, चेहरा भी फ्रेश रहता है। हाँ हाँ,
आप लोग तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, दाना फुंसरी इन्फेक्शन किसी तरह का हुआ नहीं होता है। वो लग गया है, भूख के भाग दीजिए। हाँ चोट सही हो गया। हाँ चोट पे ये तो जैसे कट जाए। हाँ हाँ बस हल्का सा भूख के खाली लगा दीजिए, बना बंद भूख। हम लोग पहले दवा कहाँ सकते ना। हाँ हाँ दवाई कहाँ होती है। सही बोल रहे हैं, कट गया तो नीम के पत्ती पीस के लगा दो। हाँ दवा कहाँ ना। सही बात है। ठीक है, बन गया ना बढ़िया से। ठीक है, कैसा लगा मेरा काम? ठीक है। चलिए देखिए दादाजी को हम बढ़िया से बना दिए हैं। ये यहाँ पे दादाजी लगता है कैला है या कुछ है ना। थोड़ा सा चलिए बहुत अच्छा। आप आते रहिएगा हमारे पास। चलिए अब नवरात्र पास बाद में थोड़ा। हाँ आपसे मिल के हमको बहुत अच्छा लगा, और आपके उम्र के हिसाब से मैं हमको प्रणाम कर रहे हैं आपको, हमको आशीर्वाद दीजिए। दाढ़ी बनाया है वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, अलग चीज़ है, वो अपना धंधा है। हाँ मेरा धंधा है। Thank you.